Hello students and good morning to all of you, and this is Brijesh Singh, and today's topic is computation of income, profit and gains from business and profession, part of unit 3. So this is a part 2 of that particular session lecture. So I discuss with you in that particular section computation of income from business and profession section 29. तो यहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे सेक्शन 29 में क्या क्या चीजें आती हैं बिजनेस एंड प्रोफेशन से रिलेटेड जो इनकम्स हैं. तो बेसिकली इनकम रेफर टू सेक्शन 28 शैल बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ कंटेंट इन सेक्शन 30 एंड 243D. जो भी कंटेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंगली सेक्शन 28 में जो भी इनकम आती है उसको कैलकुलेट किया जाता है. तो यहाँ हम सेक्शन 29 की बात करेंगे. रेंट, रिपेयर्स, टैक्सेस, इंश्योरेंस फॉर बिल्डिंग सेक्शन 30 में आप देखेंगे. तो इन रेस्पेक्ट ऑफ रेंट, रेट्स, टैक्सेस, रिपेयर एंड इंश्योरेंस फॉर प्रमिसेस यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ द फॉलोइंग डिडक्शन शैल बी अलाउड. ठीक है, जब भी हम रेंट, रिपेयर या टैक्सेस, इंश्योरेंस की बात करते हैं तो वहां पर जो है पर्टिकुलर जो पर्पस है वो क्या है कि बिजनेस एंड प्रोफेशन जो हम कर रहे हैं तो इसमें कौन कौन सी डिडक्शन आपको यहाँ मिलेगी. फर्स्ट थिंग इज वेयर द प्रमिसेस आर ऑक्यूपाइड बाय द एसएससी. ठीक है, कौन कहाँ पर जो प्रमिसेस है वो एसएससी के द्वारा लिया गया है. तो एज अ टेनेंट द रेंट पेड फॉर सच प्रमिसेस एंड द फर्दर इफ ही इज अंडरटेकन टू बियर द कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स टू द प्रमिसेस द अमाउंट पेड ऑन द अकाउंट ऑफ सच रिपेयर्स. सेकेंड अदरवाइज देन एज अ टेनेंट अगर हम बात करें तो द अमाउंट पेड बाय हिम ऑन द अकाउंट ऑफ करंट रिपेयर्स टू द प्रमिसेस या एनी सम पेड ऑन अकाउंट ऑफ लैंड रिवेन्यू लोकल रेट्स और म्युनिसिपल टैक्सेस. The amount of any premium paid in respect of insurance against risk of damage or destructions of the premises है. तो ये जितने भी repairs हैं या rent हैं तो वो या taxes आपने pay किए हैं, insurance है. तो यहाँ पर section 30 में ये आ जाता है. Section 29 जो है अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो removal of doubts की अगर हम देखें तो it is a hereby declared that the amount paid to the account of cost of repair refer to sub clause section 1 and the amount paid on the account of current repairs refer to sub clause clause of A and shall be included any expenditure in the nature of capital expenditure. इनको capital expenditure माना जाता है. Repair and insurance of machinery plant and furniture section 31 की अगर हम बात करें तो in respect of repairs and insurance of machinery plant and furniture used for the purpose of business or profession, the following deductions shall be allowed. अगर कोई भी मशीनरी या फर्नीचर है उसका इंश्योरेंस अगर है तो वो क्या है तो अमाउंट पेड ऑन द अकाउंट ऑफ करंट रिपेयर्स एंड द अमाउंट ऑफ एनी प्रीमियम पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस अगेंस्ट रिस्क ऑफ डैमेज और डिस्ट्रक्शन. तो ये आपको देखना पड़ेगा जो भी अमाउंट पेड किया गया है वो करंट रिपेयर्स में या डिस्ट्रक्शन होने पर या इंश्योरेंस वगैरह पे किया गया है तो वो ये आपके आ जाएगा डिडक्शन में. For removal of doubts, hereby declared the amount of paid on account of current repairs shall be included any expenditure in the nature of capital expenditure. जो भी amount आप pay कर रहे हैं वो capital expenditure nature में होगा और उसको इसमें include किया जाएगा. Then depreciation है, section 32 इस यहाँ पर आता है depreciation. Depreciation क्या करता है कि depreciation shall be allowed if all the following conditions are satisfied. ठीक है, ये अगर conditions satisfied होती हैं तो depreciation जो है वो allowed किया जाता है. फर्स्ट स्पेसिफाइड असेट्स अगर हम बात करें तो ओनली द फॉलोइंग टाइप ऑफ असेट्स आर एलिजिबल फॉर द डेप्रिसिएशन. टेंजिबल असेट्स और इनटेंजिबल असेट्स. जैसा कि आप अकाउंटिंग में भी देखते हैं तो टेंजिबल असेट्स मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर होते हैं. इनटेंजिबल असेट्स जो है आपके नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी एंड अदर राइट्स आपके अगर पास हैं तो वो नो इंटेंजिबल असेट्स होते हैं. पर्पज क्या है इसका? द स्पेसिफाइड असेट्स शुड बी यूज्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन असेसी. ठीक है, तो बेसिकली जो असेट्स हैं वो असेसी के द्वारा यूज की जानी चाहिए इन बिजनेस और प्रोफेशन. ऑनरशिप भी इसमें देखना पड़ेगा. स्पेसिफाइड असेट्स कैन बी होली और पार्टली ओन्ड बाय द एसएससी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. बेसिस ऑफ डिप्रिसिएशन की अगर हम बात करें तो डिप्रिसिएशन शैल बी कैलकुलेटेड एज पर द बिलो फार्मूला. फार्मूला यहाँ पे होगा, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन आपको दिया गया होगा मल्टीप्लाइड बाई WDV मेथड ऑफ द ब्लॉक ऑफ असेट्स ऑन द लास्ट डेट ऑफ द प्रीवियस ईयर. ठीक है, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 ब्लॉक ऑफ असेट्स की बात आ रही है.
तो ब्लॉक ऑफ एसेट ग्रुप ऑफ सेट्स फॉलिंग विद इन अ क्लास ऑफ एसेट्स, अलग अलग ब्लॉक हम इसको बना लेंगे, कौन कौन से एसेट्स किस ब्लॉक में आती हैं। कंप्राइजिंग ऑफ टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ विच सेम परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन इज प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। देन व्हेन रिटन डाउन वैल्यू जो है वो क्या है, किस तरीके से, तो जैसे कि आप जानते हैं अकाउंटिंग में आपको डिस्कस किया है डब्ल्यूडीबी ब्लॉक ऑफ एसेट्स एट द बिगिनिंग ऑफ रिलेवेंट प्रीवियस ईयर आपको निकालना है, एट एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट्स बिलोंगिंग टू ब्लॉक एक्वायरिंग ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, बी लेस मनी रिसीवेबल ऑन असेट्स सोल्ड डिस्कार्डेड डिमोटलाइज्ड डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, कोई भी असेट्स अगर आप मनी रिसीव किए हैं वो असेट्स के डिस्ट्रॉय होने पे डिस्कार्ड होने पे या डिमोटलाइज होने पे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो वो भी आपकी यहाँ आ जाएगी। उसके बाद डब्ल्यू डी बी ऑफ द ब्लॉक ऑफ असेट्स एज ऑन then the written down value of the block of assets as on the last day of relevant previous year a b c तीनों को प्लस करके हमारे पास a b और माइनस c अगर हम कर देंगे तो आपको जो written down value है section 43 subsection 36 में आपको मिल जाती है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि where the income of assets is derived in the part of from agriculture or in part of PGG b or from WDB the total amount depreciation shall be computed as if the entire income is derived from the business, तो total income जब भी इसमें आती है जब वो business से ही derived की गई हो या business या profession से तभी यहाँ आपको देखने को मिलेगी। तो rates of depreciation की अगर हम बात करें types of assets हैं और उनके rates आपको दिए गए हैं तो ये आप देख सकते हैं building residential है तो 5% non-residential 10% temporary structure है तो 40% furniture और fitting including electricity fittings है तो 10% की है plant and machinery में अगर हम जाएं तो books owned by professional 40% books owned by the library 40% air and water pollution control equipment 40% renewable energy 40% computing including software 40% aeroplanes 40% life saving medical equipment 47 motor car buses lorries वगैरह वो सब 40% 30% में जाएगा ship boat 20% है oil wells है 15% है general rates of other machinery 15% है intangible assets में 25% है। तो this is the rate of depreciation जो हमें लगाना होता है किसी भी particular संस्था में। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि plant includes ships vehicles books specific appearance and the surgical equipments used by the business and profession and does not include tea bushes leaf livestock, buildings and furniture and fixtures. Second thing is building includes the roads, bridges, wells, tube wells, etc. सब इसमें आता है। Residential status building की अगर हम बात करें तो building in a which the at least 2/3 of the building area is used for residential. ठीक है, तो जो भी building है उसमें 2/3 area आपका residential हो तब उसको residential building कहा जाएगा। Wild wind and mills है, related equipment है, generator है, pump drive by mills of instrument. तो एक जो है 40% है, अदरवाइज इसको 15% कहा जाता है। केस लॉज ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इज अलाउड ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी लैंड बिल्डिंग टेकन इन लीज। ठीक है, अगर लीज पे भी लिया गया तो भी उस पर आपको डेप्रिसिएशन तो देना ही होता है। डेप्रिसिएशन इज अलाउड ऑन असेट्स टेकन ऑन हायर परचेज आल्सो देयर। Then this is one problem with you. I discussed one with you. So, this is a problem. Compute the depreciation for assessment year 2021. Machinery is A 15% written down value as on 1st April 19 को 1 लाख रुपए की है। Machinery B 15% required for 15,000 की खरीदी है और फिर Machinery C है जो acquire की है आपने वो है 13 September 19 को 60,000 की। तो Machinery A sold on this 15/25/19 को आपने 40,000 की, Machinery C जो है वो आपने 11/12/19 को 40,000 के दोनों बेच दिए हैं दो मशीनें। तो आपको निकालना है, सॉल्यूशन करना क्या है इसको, आपको क्लोजिंग स्टॉक देखना है। तो 1 लाख रुपए 50,000 40,000 तो 1 लाख की है, 50 और 50 तीनों को प्लस कर लेंगे और माइनस जो सेल आपने की 40,000 की वो माइनस हो जाएगी। वैल्यू कितनी आई आपकी 1,30,000 रुपये, 1,30,000 रुपीज इज द वैल्यू। डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज 15% ऑफ मशीनरी, तो 15% सब पे डेप्रिसिएशन चार्ज इसको दिया गया था, तो 15% आपने 1,30,000 और 50,000 इट इज 19,500। तो डेप्रिसिएशन रिस्ट्रिक्टेड टू 50%। ठीक है, प्रोविजो टू सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 में दिया गया है कि ये 50% से ज्यादा नहीं हो सकता।
Your assets acquired during the previous year and put to the use less than 180 days. ठीक है, 180 दिन से ज्यादा यूज नहीं हुआ है इन दैट प्रीवियस ईयर, तो देन डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट रिस्ट्रिक्टेड टू 50% ऑफ नॉर्मल रेट. तो उसमें हम जो है इसको 2% तक रिस्ट्रिक्ट फॉर द प्रीवियस ईयर ओनली, केवल एक साल के लिए. इसके अलावा एडिशनल डेप्रिसिएशन सेक्शन 32II में भी दिया गया. बहुत सारे डेप्रिसिएशन होते हैं. एसएससी एंगेज इन द बिजनेस और मैन्युफैक्चर, ये जनरल केस है. जनरल केसेस में अगर हम बात करें तो एसएससी एंगेज इन बिजनेस और मैन्युफैक्चर और द प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल ऑफ थिंग्स इन बिजनेस और जनरेशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स एक्सेट्रा, न्यू मशीनरी और प्लांट एक्वायर एंड इंस्टॉलेशन अदर देन शिप्स एंड एयरक्राफ्ट. स्पेसिफिक केसेस में जाएं तो एसएससी सेटअप द अंडरटेकिंग ऑफ मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग और आफ्टर 1 July 2015 इन नोटिफाइड बैकवर्ड एरियाज इन आंध्र प्रदेश और बिहार और तेलंगाना वेस्ट बंगाल एक्सेट्रा, एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल any machinery or plant other than ship and aircraft for the purpose of said undertaking during 1st April 2015 to 31st March 2020 said backward areas. Condition to be satisfied, condition bhi aapko satisfy karni hongi. Plant and machinery should not be used by any person in India or outside India before the date of installation of by the SSE. Koi bhi machinery pehle use nahi honi chahiye. Plant machine not installed in office premises or in residential accommodation including a guest house. Plant and machinery should not be an office appliance or road transport vehicles. All of the actual cost on plant and machinery not allowed as deduction. And quantum of increased depreciation, general cases ki baat karein, to 20% of the previous year in which the condition is satisfied. If the acquirer is put to use the last 180 days, 10% and balance 10% is next year. ठीक है, तो 10% अगर यूज करते हैं तो उसी दिन में और बाकी अगले साल में जाते हैं. स्पेसिफिक इज 35% ऑफ प्रीवियस ईयर इन द विच केस ऑफ नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया रेस्पेक्टिव स्टेट्स जो भी दिए गए उसमें अगर एक्वायर एंड पुट टू यूज देन 180 डेज इट इज 17.5% इन दैट ईयर एंड बैलेंस 17.5% इन द नेक्स्ट ईयर विल बी यूज्ड. तो दिस इज एडिशनल डेप्रिसिएशन. So this is all about that particular session. So I hope you understand. Thank you very much.